दानिश अपने रूम में है ना? जी हाँ मैडम, मिस्टर यालन भी वहीं हैं। तुम मेरे भाई से मिली नहीं ना अभी? चलो मिलवाती हूँ, जरा वो भी देखे कि जिस लड़की को फायर करने वाला था उसने क्या कमाल कर दिखाया है। चलो। क्या आप लोग फ्री हैं जेंटलमैन? आपको एक खबर सुनानी है। अंदर आ जाओ जेफरी मेरी जान, वो खबर सुनाने से पहले तुम अपने बॉस से मिल लो। मेरा भाई याले नाराज। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। डेफने, चलो न्यूज़ सुनाओ ना। कैसी न्यूज़ है? दरअसल मेरे पास दो खबरें हैं। पहली ये कि मैंने एरर ढूंढ निकाला है। क्या? कैसे? मैंने एक रिसर्च प्रोग्राम इन्वेंट किया है उससे। हमने भी ऐसी प्रोग्रामिंग डाली थी, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। क्योंकि मसला कोड का नहीं, पूरे डेटा का है। यहाँ डेटा मुख्तलिफ फॉर्मेट में मौजूद था, जिसकी वजह से ये मसला हुआ। वाकई, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। गुड जॉब। पाइथन से प्रोग्राम किया। डेफने, कमाल कर दिया। बाय द वे, तुमने कहा था कि दो न्यूज़ हैं? जी बिल्कुल। वो खबर ये है कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आखिर क्यों? ऐसे क्यों कहा? हुआ क्या है? यशम रुको, मैं जानता हूं क्या हुआ। क्या हुआ? मेहनत की वो ये गधा निकला। समझता क्या है उनको? जाए और जाकर अपने लिए कोई और इंजीनियर ढूंढ ले जो इसके मजाक बर्दाश्त कर सके। इसी क्या लगता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है? क्या मैं इतनी गिरी पड़ी हूँ कि इसी के साथ काम करना पड़ेगा मुझे? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जी भाई। देखो मेरी बात सुनो, इदरीस मेरे साथ है और हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, लंच पर जाएंगे उसके बाद। ठीक है भाई, मेरा काम खत्म हो गया है, बस वापस ही आ रही हूँ मैं। ड्रेस, अरे इसे बदलना तो भूल ही गई मैं। क्योंकि शायद किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि पार्किंग लॉट्स पब्लिक प्लेस होती हैं। फिर तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि हर वक्त किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं। अच्छा सुनो, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। रुक जाओ, चेंज नहीं किया मैंने। अच्छा सॉरी। इदरीस, तुम जरा गाड़ी में रहना।
कौन हो यार? तुम बताओ तुम कौन हो कमीने? तुमने मेरी बहन को चढ़ा ना? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। चोले मेरे डैड को, चोले, चोले, मेरे डैड, चोले। कर क्या रहे हैं आप दोनों? पागल हो गए क्या? रुक जाए प्लीज। मैं सीट नहीं छोडूंगा। कैप्टन, तुम गाड़ी में बैठो और अपने बटन बंद करो। नहीं जा रही मैं, रुक जाए और मेरी बात सुने प्लीज। उसकी बात को सुन लो पहले। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। छोड़े, मेरे काम में डैड को छोड़े, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। यार दुरुक, इधर आ। चलो। बस करे। अगर आप दोनों नहीं रुके तो मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगी। फिर दोनों गुजारना अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में। कसम खाती हूँ कूद जाऊंगी मैं। तुम दोनों का दिमाग जगह पर है? एक दूसरे से अजीब सवाल कर रहे हो। तुम दोनों ही क्या जानते हो मेरे बारे में? हाँ, बिला वजह लड़ रहे हैं। और ये सब की सब आपकी गलती है भाई। अगर आपने मुझे घर पर ही वो ड्रेस पहनने दिया होता तो मुझे यहाँ पर आकर कपड़े बदलने की जरूरत पड़ती ही नहीं और ना ही ये सारा ड्रामा होता। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बस करें, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन नहीं है कि यहाँ पे खड़ी होकर आप दोनों को मैं समझाती फिरूं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसलिए बस करें। जफने, क्या सांस ले लो। तुमने इसके सामने पूरे कपड़े उतार लिए। इसके सामने पूरे के पूरे कपड़े। भाई आप तो शुरू ही हो गए हैं। और तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं यहाँ से उड़ती हुई आऊंगी और तुम्हें ब्रूस ली किक मारूंगी। और आप मेरे भाई होते हुए सोचे कि मुझ पर किस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं। जा रही हूँ यहाँ से। अब आप दोनों बेशक एक दूसरे की जान क्यों ना ले लें। तुम इस चीज यानी इस मोहतरमा के साथ एक घर में रहते हो, है ना? अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। और तुम इसी चीज के साथ काम करना चाहते हो, ऐसा ही है ना? दिमाग तो तुम्हारा भी खराब है। पीछे हटो, आइंदा नजर मत आना वरना बहुत बुरी तरह मारे जाओगे। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। कुछ भी नहीं कर सकते तुम, भाग क्यों रहे हो? सामना करो। डरपोक इंसान, क्या दिन था यार। लड़की तो पागल थी भाई, दो हाथ आगे।